नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरा नमस्कार। हाजिर हूँ मैं फिर से फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग लेके। 15 सितंबर तक जिन्होंने जिन्होंने मुझे फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट डाली थी, उनमें से कुछ कुंडलियाँ सेलेक्ट करने की कोशिश करी है और उनकी रीडिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इस वीडियो में मैं मल्टीपल कुंडली चार्ट रीडिंग देने वाला हूँ। रीज़न बींग के बहुत सारी कुंडली आई हैं इस बार और सबको मैं खुश तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने सोचा जी कि इस बार थोड़ी ज़्यादा रीडिंग कर दूं ताकि मैं उन लोगों को भी मदद कर पाऊं। मतलब सबकी मदद करना चाहता था लेकिन सिलेक्ट नहीं कर पाया, दो तीन कुंडलियां सिलेक्ट नहीं कर पाया। काफ़ी सारी कुंडलियां मुझे पसंद आई तो सबकी कुंडली रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिन जिन की पसंद आई। सबकी मतलब सारी कुंडलियाँ नहीं, मतलब जिन जिन की पसंद आई। तो इस वीडियो में मैं कुछ कुंडलियाँ रीड करूँगा, तो उन उन लोगों को मैं ये वीडियो लिंक पर शेयर कर दूंगा। जिन लोगों की कुंडली रीडिंग करवानी है, जो लोग नए हैं वीडियो देख रहे हैं मेरा, उनको भी फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग चाहिए, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा जी कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस वगैरह वगैरह जो भी मैं दूसरे वीडियोस में बोलता हूँ, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे रहा हूँ उस पर फॉरवर्ड कर दीजिए। आप जब मुझे हेलो भेजेंगे या नमस्ते भेजेंगे तो मैं आपको डिटेल फॉरवर्ड कर दूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और उसकी भी पिक्चर व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दीजिए, तो आपकी आपकी कुंडली में अगले जो राउंड है, जो 30 सितंबर है, उसके अंदर अगर आपकी होती है तो आपकी भी कुंडली रीडिंग करने की कोशिश करूंगा। बहरहाल ये कुंडली है आज जो ये कुंडली लेके आया हूँ। हाँ, पर्सनल रीडिंग भी कर रहा हूँ, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी ड्रॉप कर सकते हैं। बहरहाल जो आज ये पहली कुंडली है ये जैश की है। जैश 15 साल के, इन्हें इनके फादर ने मुझे ये कुंडली रीडिंग के लिए दी है जी कि सर ये कुंडली रीडिंग मेरा बेटे का कर दीजिए कि वो परमानेंट सेटलमेंट चाहते हैं फॉरेन में, और फॉरेन में उनके बेटे की पढ़ाई करवाना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग वो पूछ रहे हैं जी कि क्या है परमानेंट सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये इनका है जी कि ये परमानेंट, ये जो कुंडली है ये फॉरेन से है, मतलब अभी भी जो ये कुंडली इंडिया की नहीं है, तो ये जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया में जितने अरबिक कंट्रीज हैं वहाँ से एक वन ऑफ द कंट्री से ये कुंडली आई है, तो ये कुंडली वो हमारे लिए, तो आप भी फॉरेनर ही हैं सर, तो नमस्ते आपको, और आप अपने बेटे के बारे में पूछना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा उसके रिगार्डिंग गाइड कर सकता हूँ, तो मैं जितना हो सके उतना गाइड करूँगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी कि आपके बेटे की कुंडली कैंसर लगन की है, मून राशि की है, मून राशि की नहीं, कैंसर लगन की है, और मून दसवें घर पे बैठा कैप्रिकॉन राशि की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ वो चार्ट के रिगार्डिंग, एक चीज़ तो ये है, सेकंड हाउस में आपके केतु और शनि बैठे हैं, ये एसेट और परमानेंट फिक्स एसेट के घर में केतु और शनि बैठे हुए हैं, और उसी घर में आपके आपके बेटे का लगन मून जो है वो जाके बैठा हुआ है, शनि के लगन में ही बैठा हुआ है, ऑपोजिट में बैठा हुआ है, ठीक है जी। दूसरा, भाग्य स्थान पे वीनस, सूर्य और मरकरी बैठा हुआ है, और 12वां नंबर लिखा है, 12वां नंबर मतलब जुपिटर का नंबर है, और जुपिटर अपने ही घर में 6th हाउस में बैठा हुआ है, 9th नंबर भी जुपिटर का उसमें बैठा हुआ है, तो विपरीत राजयोग बनाता है यहाँ पे। राहु अपने 11वें शनि के घर में, अपने पसंदीदा मित्र के घर में और अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, लेकिन अष्टम होकर बैठा हुआ है, राहु यहाँ पे अच्छा फल नहीं देता है, उतना अच्छा फल नहीं देता, लेकिन सडन गेन और सडन लॉसेस और शेयर मार्केट वगैरह से रिलेटेड कामों में ज्यादा इफेक्टिव रहता है। अब दूसरा पॉइंट यह है कि 12वां घर जिसके लिए हम फॉरेन सेटलमेंट वगैरह देखते हैं, उस घर में मंगल बैठा है, मंगल पहले घर का 10वें घर का मालिक है, और मंगल का पहला नंबर 10वें नंबर 10वें घर पे लिखा है, और 8वां नंबर जो मंगल की दूसरी राशि है वो 5वें घर पे लिखा है, मतलब एजुकेशन और एजुकेशन और शॉर्ट टर्म ट्रैवल और क्या बोलते हैं छोटा लक और वर्क का ओनर होके मंगल 12वें घर पे बैठा है, 3रे घर पे बैठा है, और 3रे घर का ओनर भाग्य स्थान पे बैठा है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अब बात कर लेते हैं अभी दशा किस चीज़ की चल रही है। आपकी जो बेटे की दशा चल रही है वो राहु की चल रही है, 2012 से 2030 तक राहु की दशा चल रही है, 2030 तक चलेगी, गुरु की दशा लगेगी 2030 से 2046 पे, ये दशा अच्छी रहेगी, लेकिन आपके लिए थोड़े कंसर्निंग हो सकते हैं पिता के लिए, लेकिन उसके अलावा ये दशा आपके बेटे के लिए अच्छी रहेगी। गुरु यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहा है, अच्छा बेनिफिट दे देगा। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अभी आपके बेटे की दशा में केतु की महादशा चल रही है, सॉरी राहु की महादशा चल रही है, केतु की अंतरदशा चल रही है, जो सितंबर 2023 के आसपास खत्म हुई है। उसके बाद अभी सूर्य की दशा लग चुकी है जो 2027 तक चलेगी, 1 जुलाई 2027 तक चलेगी। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या आपके बेटे का पीआर या फॉरेन सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा। सर देखिए, बेस्ट टाइम पीरियड अब शुरू होने वाला है,
अगर आप चाहे, वैसे तो आपकी बेटी की उम्र बहुत कम है, 15+ है, अभी 15 साल की है। तो अगर अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं ये कह सकता हूँ जी कि अगर वो स्पोर्ट्स रिलेटेड या कोई एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी रिलेटेड काम करते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा, वहाँ पे उनको वर्क मिलेगा और उसके थ्रू वो हो सकता है उनको परमानेंट सेटलमेंट मिल जाए उस कंट्री में। दूसरा पॉइंट वो ये है जी कि राहू की महादशा चल रही है, राहू यहाँ पे 8वें घर पे बैठ के 1, 2, 3, 4, 5 आप देख सकते हैं, 5वीं दृष्टि 12वें घर पे डाल रहा है। तो सडन लॉस और सडन गेन 12वें घर से ही रिलेट कर रहा है, एक्सपेंसेस के घर से या फॉरेन सेटलमेंट के घर से रिलेट कर रहा है। इस कारणवश मैं ये कह सकता हूँ कि राहु यहाँ पे मदद करेगा आपको, क्योंकि शनि के घर पे बैठा हुआ है तो ये सडन गेन करवा सकता है, लेकिन उसी टाइम पे करवाएगा जब उसको दिखेगा जे कि उसका कोई फ्रेंडली प्लैनेट या उसके उसके हिसाब का प्लैनेट वहाँ पे डील कर रहा हो। तो अगर हम यहाँ से देखें तो एक बार गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मंगल यहाँ पे अपनी 8वीं दृष्टि पार्टनरशिप पे दे रहा है। अगर आपके बेटे का कोई पार्टनरशिप है, रिलेशनशिप है, अगर कोई कुछ ऐसा कुछ है उसके थ्रू भी हो सकता है जो कि उसको परमानेंट सेटलमेंट मिल जाए। लेकिन आपने मुझसे टाइमिंग के बारे में बोला है तो सूर्य की जो टाइमिंग चल रही है 1/8/2027, इस टाइम तक आपके मदद से या फादर के मदद से और भाग्य की मदद से वो कोशिश करेंगे तो बिल्कुल सेटल होगा। मैं अब क्या ये कह सकता हूँ जी कि 60% चांसेस है कि इस टाइम पे सेटल हो जाए, इसके बाद भी हो जाए। उसका रीज़न ये है क्योंकि राहु में सूर्य के बाद मून का पड़ेगा टाइम और उसके बाद मंगल का टाइम पड़ेगा 2029 से 2030 में। मंगल खुद स्वयं जाके 12वें घर में बैठा है तो वर्क रिलेटेड या कोई भी एजुकेशन रिलेटेड या स्कॉलरशिप वगैरह कुछ भी मिल सकती है, या किसी भी चीज़ से मंगल यहाँ पे कुछ भी एजुकेशन रिलेटेड और वर्क रिलेटेड कामों के थ्रू वो हो सकता है कि फॉरेन में सेटलमेंट हो जाए या स्पोर्ट्स रिलेटेड में वो, क्योंकि मंगल स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी या अथॉरिटी का डिनोशन है तो इस कारणवश हो सकता है कि वो फॉरेन में सेटल हो जाए। इस वक्त अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी मदद से, क्योंकि भाग्य के स्थान पे 3 ग्रह बैठे हैं, वीनस, सूर्य और बुध, और ये तीनों ग्रह यहाँ पे अच्छी जगह बैठे हैं। यहाँ पे किसी का भी जुपिटर से नेगेटिव रिलेशन नहीं है और जुपिटर खुद भाग्य के स्थान में सॉरी कंपेटिटिव एग्जाम और मेहनत के स्थान पे बैठा है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है जी कि कोशिश करते हैं, अभी 15 ही साल हुआ है उसका, 15+ है वो, तो कोशिश करते रहे, इसकी सेटलमेंट बिल्कुल हो सकती है, फॉरेन सेटलमेंट बिल्कुल हो सकती है। अगर मंगल के समय नहीं भी हुआ तो जब गुरु की महादशा लगी 2030 से 2046 के बीच में, उस वक्त जरूर होगा, क्योंकि भाग्य के मदद से वो जा सकता है, अपना सेटलमेंट कर सकता है, फॉरेन में सेटलमेंट हो सकता है। अगर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7वीं दृष्टि गुरु की पड़ रही है, वो अपनी मेहनत से, अपनी कंपिटिटिव अपनी मेहनत से, अपने स्ट्रगल से वो बिल्कुल कर सकता है, या उसके पार्टनरशिप में किसी के साथ या किसी के साथ रिलेशनशिप के थ्रू उसको मदद मिलेगी, वो उससे भी ले सकता है। इस वक्त अगर आप सेटलमेंट करवाना चाहते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपके नॉलेज और आपकी मेहनत से उसकी सेटलमेंट होने के चांसेस हैं, क्योंकि राहु यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन देता ही है, सडन लॉसेस का समय भी देता है, क्योंकि राहु की लगन के साथ नहीं बनती है, यहाँ का जो लगन है मून उसके साथ राहु की बिल्कुल नहीं बनती है, और मून भी शनि के घर पे जाके बैठा है तो शनि थोड़ा देरी देगा, शनि थोड़ा स्ट्रगल करवाएगा, थोड़ी मेहनत करवाएगा, क्योंकि दूसरे घर का शनि है, शनि यहाँ पे सूर्य के घर पे बैठे हैं, सूर्य भाग्य स्थान पे बैठे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन शनि के अपना एक नेचर है, वो स्ट्रगल कराता है, कोशिश करवाता है, जब तक आप एक प्रैक्टिकल सेंस में नहीं आते तब तक आपको मेहनत करवाता है, तो वो करवाएगा। मेरे को जितना उम्मीद लगता है जी कि आपकी मेहनत 2027 तक और 2029 से 2030 एक इम्पॉर्टेंट पीरियड है, उसके बीच में इनको मिल जानी चाहिए। अगर नहीं भी मिलती है तो गुरु का समय बहुत लंबा पीरियड है, तो 2046 तक इनके पास कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉरेन में सेटल हो सकते हैं। ये था मेरा आपका आपके बेटे के ऊपर जो सॉरी नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, जैश है, जैश के ऊपर मेरा रिव्यू था। ठीक है जी, ये जैश की कुंडली थी, इसका रिव्यू हो गया। अब दूसरी कुंडली है संकेत की। संकेत जी 41+ के हैं। संकेत जी का सवाल यह है जी कि ना उनसे स्पिरिचुअलिटी पे पूरा जाया जा रहा है या ना ही वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह पा रहे हैं, वो बीच में अटके पड़े हैं। उन्होंने कहा जी कि मेरी सहायता करें जी कि सर मैं स्पिरिचुअलिटी पे जाऊं या मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे जाऊं। संकेत जी ने बोला था मुझे फ़ोन पे जी कि वो कई बार हिमालय के पर्वतों पर जा चुके हैं, कई बार उन्होंने आइसोलेशन करने के लिए अपने आप को वो पहाड़ों में गए हैं, अपने आप को आइसोलेट किया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट संकेत जी, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है उसके बारे में एक चीज़ें मैं आपको, एक चीज़ मुझे जितना ज्ञान है
है उसको मैं बता देता हूँ। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है अपने आप को आइसोलेशन में डालना। आइसोलेशन में इसका मतलब ये नहीं कि आप पहाड़ में चले जाएँ तो आप आइसोलेट हो जाते हैं। आइसोलेशन आप जो डालेंगे वो अपने आप को उस तरीके से डालिए जिसमें आप मेडिटेशन और अपनी इच्छा शक्ति को कंट्रोल कर सकते हो। तो मतलब लोगों की जो चाहत होती है, मेटरलिस्टिक चाहत होती है, फॉर इंस्टेंस फिजिकल एक्टिविटीज़ की चाहत होती है, आपके सबसे ज़्यादा कामुक भावना तो किसी महिला को देख के होती है, किसी को इस मेटरलिस्टिक वर्ल्ड में गाड़ी घर बंगले की होती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं इस मेटरलिस्टिक वर्ल्ड की एक धारणा होती है। और आपका लड़ाई पहाड़ में जाके नहीं आप जीत सकते हैं, आपको अपने आप पे कंट्रोल रख के आपको ये करना पड़ेगा। क्योंकि आपको अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना होता है तो आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना होता है, मेडिटेशन में जाना होता है। आपकी सबसे बड़ी दुश्मन नींद होती है जब मेडिटेशन करने जाते हैं। जब आप नींद से पार पा जाते हैं उसके बाद आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से लड़ाई करते हैं। जब मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से आप लड़ाई कर पार पा जाते हैं तो एक कामुक भावनाओं से, जो एक फिजिकल नीड की है जो भावना है, उससे लड़ाई करते हैं। और यही आपकी एक क्या बोलते हैं, सिद्धि बोलते हैं, या एक तरीके से आप बोल सकते हैं जी कि ये अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल की बात आती है। और उसके बाद होती है मेडिटेशन। एक मेडिटेशन का एक नशा होता है, उस नशे में आप खो जाते हैं और उसके ऊपर नहीं जाते। तो स्पिरिचुअलिटी के कई सारे लेवल हैं, आप किस लेवल पे पहुंचे और किस लेवल पे आप रहना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्पिरिचुअलिटी अगर आप जा रहे हैं तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है जी कि इसी जन्म में सब कुछ पा लेना। कई लोग कई जन्म तक अगर आप रिकार्नेशन, अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो रिकार्नेशन पे आपको बिलीव रखना पड़ेगा, पुनर्जन्म या रिपीट बर्थ पे आपको मानना पड़ेगा। तो इस बर्थ पे हो सकता है आप फुल चीज़ें ना ले पाए, फुल नॉलेज ना ले पाए, लेकिन जो नॉलेज मिल रही है उस नॉलेज को गेन करिए और उस नॉलेज को और आगे बढ़ाने की कोशिश करिए अपने आप पे। बहरहाल आपकी इस मैंने जो बातें बोली अगर आपको पसंद आई तो ठीक, नहीं तो माफ़ कीजिएगा, मैं इतनी ज़्यादा लेक्चर देने में आपको लेक्चर दे दिया उसके लिए सॉरी। तो अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के लिए। आप कह रहे हैं आप मेटेरियलिस्टिक या स्पिरिचुअलिटी पर अटके पड़े, उसका सिंपल रीजन यहाँ पे ये है जी कि आपके दसवें घर का आप कैप्रिकॉन लगन के हैं। कैप्रिकॉन लगन के होते हुए शनि आपके भाग्य स्थान पे बैठे हुए हैं, क्योंकि दसवें घर का मालिक शनि है। शनि भाग्य स्थान पे बैठे हुए हैं, मरकरी के घर पे बैठे हैं और मरकरी आय के घर पे बैठा हुआ है और क्या बोलते हैं ग्यारहवें घर पे बैठा। ग्यारहवें घर नौवें घर बारहवें घर से एक घर पीछे होता है, बस वहीं अटका पड़ा रहता है जो मोक्ष के रास्ते से एक घर पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मोक्ष के दो घर मैं मानूंगा इस कुंडली में, एक तो खुद नौवां घर जो बारहवां घर होता है, और जुपिटर का घर जो बारहवां घर है उसे हम मोक्ष का घर मानेंगे। अगर हम गुरु को देखें तो आपका कर्म सातवें घर में बैठा हुआ है, शुक्र के घर में बैठा हुआ, शुक्र लगन में बैठा हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुंडली बन चुकी है आपकी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनी है एक्चुअली, जो आपकी प्रॉब्लम है उसी को यह दर्शा रही है। शुक्र अगर लगन में बैठ जाए तो ऑब्वियसली आपको कई सारी मेटेरियलिस्टिक चाहते दे देता है और कई सारी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में आप इंडल्ज हो जाते हो, और हो सकता है कि आपकी किस्मत में भी बहुत सारी मेटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स मिल जाए। लेकिन साइमल्टेनियसली जब केतु यहाँ बैठ जाते हैं तो केतु यहाँ बैठने के कारण क्या करता है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से आपको एल्यूव करता है, आपको अपने जीवन में एक आइडियोलॉजी बोल सकते हैं या अपने एक थिंकिंग प्रोसेस डालने की कोशिश करता है जिसमें वो आइसोलेशन में आपको डालने की कोशिश करता है। उसी के जस्ट ऑपोजिट राहु बैठा हुआ है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो जो महिलाओं का एक आकर्षण है आपके ऊपर या आपकी बातों पे या आपके नेचर पे, उसको ये राहु डिनोट कर रहा है। और ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड आपको जो आप जो एक तरीके से बोला जा सके, ठीक है, एक जो आपकी फिजिकल नीड है या जो आपकी फिजिकल अपेयरेंस है, जो आपकी बातें हैं, उसे महिला आकर्षित होती हैं, औरतें आकर्षित होती हैं, क्योंकि राहु सातवें घर में बैठ के यही काम करवाता है। लेकिन क्या होता है उसके बाद, वो महिलाएं जब आप हो सकता है जो कि आपकी कई सारी फ्रेंड्स बन जाए या कई सारे दोस्त बन जाए, और फिर उन लोगों में ही ये जलेसी आ जाए जी कि आप किसी के साथ परमानेंसी में नहीं है या आप किसी के साथ परमानेंट रिलेशनशिप में नहीं है, और उस कारणवश वो आपको कहीं ना कहीं हार्म पहुंचा रहे हो या आपको बदनामी कर रहे हो, इसलिए आपको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से हो सकता हो प्रॉब्लम हो रही हो। अब दूसरा पॉइंट वो होता है भाग्य स्थान पे जो ज्ञान का घर है और जो बारहवां घर मोक्ष का है, दोनों घरों के मालिक अच्छे अच्छे पोजिशन में बैठे हैं। जुपिटर हालांकि मैं मानता हूँ जी कि शुक्र के घर में बैठे हुए हैं तो यहाँ पे दसवें घर को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन शुक्र के साथ उनकी दुश्मनी नहीं है, ठीक है। तो
यहाँ पे वर्क प्रोसेस पे अगर आप स्पिरिचुअलिटी या ज्ञान की तरफ काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, तो उसमें आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। भाग्य स्थान का मालिक छठे घर पे, छठा छः नंबर जो लिखा है, वो आय के घर में बैठा है, तो आप अपने भाग्य से कमाएंगे। आपकी आयु अब 41 प्लस हो चुकी है, तो आप अपने भाग्य से ज़रूर कमाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि शनि की अभी क्या दशा चल रही है। अभी शनि की दशा चल रही है, शनि की महादशा चलेगी 2008 से 2027 तक, उसमें अभी राहु की अंतरदशा चल रही है 2018 से 2024 तक, और फिर गुरु की दशा चलेगी 2027 तक। तो 24 के बाद, 6 जून 24 के बाद आपका समय थोड़ा बेहतर होगा, आपको क्लैरिटी आएगी। अभी हो सकता है आपको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जाने का ज़्यादा मन कर रहा हो, और हो सकता है उस वजह से आपको थोड़ी बहुत परेशानियाँ या बदनामी का ऑप्शन आ रहा हो। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप सोच के देखिए कि स्पिरिचुअलिटी पहाड़ में ना जाके हम अपनी पर्सनल सोशल लाइफ में कैसे कर सकते हैं। आपकी कुंडली में ये डिफाइन किया जा रहा है जो कि गुरु जब अगर सातवें घर में बैठा है, सॉरी माफ़ कीजिए, दसवें घर में बैठा है, शुक्र की राशि में बैठा है, तो आप सोशल काम करके, सोशल चीज़ों में इंडल्ज होके अपने आप को अच्छा खासा, अपने आप को पीस डाल सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में ला सकते हैं, या आप अपने धर्म के मतलब धर्म को प्रमोट कर सकते हैं, या अपने बिलीफ को प्रमोट कर सकते हैं, या अपनी बिलीफ बढ़ा के उसको प्रमोट कर सकते हैं जो कि क्या सही है क्या गलत है, आप उस चीज़ में ध्यान दीजिए। साइमल्टेनियसली राहु यहाँ पे अंतरदशा में चल रहा है, इस वक्त थोड़ा सा दिक्कत देगा, लेकिन शनि आपकी महादशा में है। शनि अगर चाहे यहाँ भाग्य स्थान पे बैठा हुआ है, मार्स के साथ बैठा हुआ है, मंगल के साथ बैठा हुआ है, मंगल के साथ भी अगर बैठा हुआ शनि देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन नवम घर में बैठा हुआ कोई भी प्लैनेट खराब रिजल्ट नहीं देता। यहाँ पे अगर आप भाग्य का काम करेंगे, अगर आप नॉलेज का काम करेंगे, आप स्पिरिचुअलिटी पे जाएंगे, तो आपकी आय भी बढ़ेगी। अगर आप अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ सोशल वर्क में कूदिए, वेलफेयर में कूदिए, या ऐसे काम के कई लोग होते हैं जो मंदिर का सामान बेचते हैं, ठीक है, जो मंदिर के लिए काम करते हैं और उससे उनको प्रॉफिट हो जाता है, तो सोसाइटी में वैसा काम करिए, हो सकता है आपको उसमें ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिले। केतु आपको यहाँ पे, और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आप सन्यास में जाना चाहते हैं तो हो सकता है ये जन्म आपको सन्यास पे नहीं भेजे, हो सकता है जी कि अगले जन्म या उसके बाद रिकार्नेशन में आपको सन्यास या आपको फुल ऑन स्पिरिचुअलिटी के बारे में या आपको एक तरीके से आइसोलेशन के बारे में समझाया जा सके। आपको इस वक्त हो सकता है इस पाथ में डाला जा रहा है और काफ़ी स्ट्रांगली डाला जा रहा है, तो इस पाथ में जितना आपको डाला जा रहा है उतना ही जाइए, उतना और उसमें जितना हो सके उतना नॉलेज गेन करने का समय है, नॉलेज गेन करिए। राहु का असर आफ्टर 42 कम हो जाएगा, आपका 41 प्लस चल रहा है, राहु का असर आफ्टर 42 कम हो जाएगा, आपके अंदर एक स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, और उसके बाद आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा पर्सनल लाइफ में भी। मैं यहाँ पे ये ज़रूर बोलूँगा जो कि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से आपको एक नाता रखना ही पड़ेगा, क्योंकि चौथे घर का राहु है और चौथे घर का मून सातवें घर पे 4 नंबर लिखा है, मून की राशि है, मून जाके दूसरे घर में बैठा हुआ है और शनि के घर में बैठा हुआ है, और देखा जाए तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 8 का रिलेशनशिप है, लेकिन शनि के घर पे बैठा हुआ है, तो शनि के घर में मून बैठे हुए यहाँ पे आपके फिक्स एसेट्स या कुछ भी आप जो बनाएंगे वो पार्टनरशिप या किसी महिला के थ्रू ही बनेगा, और राहु यहाँ पे आपको छोड़ेगा नहीं, तो आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को नहीं छोड़ सकते। हो अगर आपकी माता हो या जो हो रिलेशन आपकी बहन हो तो उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा रहे तो उससे हो सकता है आपको बेनिफिट मिल जाए, लेकिन एक फिजिकल जो एक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको छोड़ना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। रीज़न बीइंग यहाँ पे फुल फ्लेज आपकी कुंडली में कोई भी ऐसा कोई आइसोलेशन नहीं प्रोवाइड दिखाया जा रहा है, तो कोशिश यही रहेगी जी कि आप सोसाइटी में रह के, हिमालय जाके कोई नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, सोसाइटी में रह के मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन में अपनी नॉलेज गेन करिए, उसमें अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपनी नींद से लड़िए। जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपको नींद आती है, तो सबसे पहले तो आप अपनी नींद से लड़िए, और आप अपने अगर आप सोसाइटी में रहते हैं, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसको अच्छा बोल के छोड़ने का जो एक पावर है, ये ठीक है, ये आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, या ये चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन ये चीज़ मेरी ज़रूरत है क्या, ये चीज़ सोच के चलिए जी कि क्या मेरी इस चीज़ की ज़रूरत है, अगर उस चीज़ की मुझे ज़रूरत है तो मांगिए, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, उसके लिए लालच करके कोई फ़ायदा नहीं। आपके लिए यही बेनिफिशियरी रहेगा जी कि जो चीज़ आपकी ज़रूरत है या जो चीज़ आपको लगता है जी कि ये मेरे को आगे मदद करेगी, चाहे वो कोई महिला ही क्यों ना हो,
औरतों से भी कई सारी ज्ञान मिलता है। अगर नहीं हो रहा है कोई, अगर कोई महिला आपकी लाइफ में है या कोई पर्सन आपकी लाइफ में है और वो आपको आपकी नीड को मदद नहीं कर पा रहा है, आपकी नीड मतलब फिजिकल नहीं, अपार्ट फ्रॉम फिजिकल नॉलेज को अगर नहीं मदद कर पा रहा है, अगर आपकी ज्ञान में वृद्धि नहीं कर पा रहा है, तो उस चीज़ को आपको आप छोड़ दें तो बेहतर है। अगर आप पकड़ के रखेंगे तो आपको उसमें दिक्कत होगी और फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। बहरहाल उम्मीद करता हूँ आपको अगर कुछ चीज़ें समझ में आई तो अच्छी बात है। शुक्रिया, थैंक यू। ये था संकेत जी का। अब तीसरी आखिरी कुंडली है इस रीडिंग में, ये मनीषा जी की है। मनीषा जी की एज करीबन 37 प्लस है। उनके दो सवाल हैं, सेक्स लाइफ कैसी है क्योंकि अच्छी नहीं है और कोई फ्रेंड नहीं है इनके। ठीक है मनीषा जी, आपकी एज 37 प्लस है। आपकी महादशा अभी जो चल रही है वो मंगल की चल रही है। मंगल की महादशा कुछ खास अच्छी आपके लिए है नहीं देखा जाए तो। आपके उसके अंदर जो अंतरदशा चल रही है राहु की चल रही है वो भी कुछ खास अच्छी नहीं है, जिस चीज़ के लिए आपने सवाल पूछा है उसके ऊपर। बाकी चीज़ों के लिए खराब है अच्छी है वो नहीं पॉइंट है, उसके लिए हो सकता है अच्छी हो, पैसे के लिए हो सकता है ये अच्छी हो, आपकी ग्रोथ के लिए हो सकता है अच्छी हो, लेकिन आपने मुझसे सवाल पूछा है सेक्स लाइफ एंड नो फ्रेंड्स। तो आप अपनी अगर सेक्स लाइफ के बारे में यहाँ पे पूछना चाह रही हैं, फिजिकल नीड के बारे में पूछना चाहती है और फ्रेंड सर्कल के बारे में पूछना चाहती है, तो मंगल की दशा अभी चल रही है वो खास अच्छी नहीं है, और राहु की जो अंतरदशा लगेगी वो अंतरदशा चलेगी वो 2024 के सितंबर तक चलेगी, 7 सितंबर तक चलेगी। ये दशा आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी अंतरदशा, इस वक्त में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेंगी ही मिलेंगी। राहु 8वें घर पे बैठा हुआ है, पहले 11वां नंबर एक नंबर लिखा हुआ है। अगर आप देखें तो 12वें घर में आपका वीनस, मून और मार्स बैठा हुआ है। सूर्य आपके 6ठे घर में लगन में बैठे हुए हैं। 7वें घर में आपका मतलब सेकंड हाउस में आपका मरकरी और केतु बैठा हुआ है। शनि 3रे घर में बैठा हुआ है और जुपिटर 5म घर में बैठा है। पति का कारक जुपिटर होता है, जुपिटर 5म घर में बैठा है और 12वें घर का भी ओनर होकर 5म घर में बैठा है, तो शादी एक समझदार आदमी से कीजिएगा आप जिस ठीक है इस पॉइंट को बाद में शुरू करते हैं, पहले एक पॉइंट को शुरू करते हैं। आपके लगन में सूर्य बैठा है। सूर्य पर्सनैलिटी क्या बनाता है, आपका वर्गो लगन है, मरकरी का लगन है और सन यहाँ बैठा हुआ। सन यहाँ पे बैठा हुआ कुछ खास नेगेटिव नहीं है, कुछ खास पॉजिटिव मतलब सन अगर लगन में बैठ जाए तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रहता है, लेकिन कुछ नेगेटिव ट्रेट्स भी लग के बैठा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है आपका एटीट्यूड। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि हो सकता है आप ऑथोरेटिव एटीट्यूड की हैं, आपका नेचर थोड़ा ऑथोरेटिव है, आप अपफ्रंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सूर्य प्रोवाइड करता है। दूसरा लगन खुद मरकरी, आप कैलकुलेटिव है, एनालिटिकल हैं और आपका एटीट्यूड है भाड़ में जाओ वाला। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं तो भाड़ में जाओ, और आपको कोई चीज़ पसंद है तो कुछ ज़्यादा ही लगाव हो जाता है। तो मरकरी का थोड़ा सा ये एटीट्यूड है, जो मैं वर्गो लगन के मेरे कई अपने पर्सनल लोग भी हैं जो वर्गो लगन के हैं, मैं उनको हमेशा यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई आज अगर आपको समझ में आ रहा है कि भैया एटीट्यूड ये है जी कि भाड़ में जाओ जस्ट बिकॉज यू हैव सीन सम स्मॉल थिंग्स अबाउट सम पर्सन, अगर किसी आदमी या किसी औरत के बारे में कुछ छोटी सी चीज़ देखी और आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई या पसंद नहीं है या आपकी समझ उस हिसाब से वो पसंद नहीं करती है, तो आप उसके ऊपर डिसीजन मत लीजिए। बिकॉज आप मरकरी हैं, आपके अंदर बुद्धि ज़रूर है लेकिन वक्त का ज्ञान, समय का ज्ञान गुरु देता है, गुरु से मिलेगा, तो उस चीज़ को समझनी। अगर आप ऐसी चीज़ों से ऐसे लोगों से दूर हटते चले जाएंगे तो कैसे मिलेगा आपको वो ज्ञान। आप बुद्धि अपना यूज़ तो कर लेंगे, आप मैथमेटिक्स कर लेंगे, सब कर लेंगे, तो ये मैं वर्गो लोगों को बोलता हूँ। तो अब पॉइंट ये आता है कि सूर्य जब यहाँ पे बैठता है तो आपकी अथॉरिटी फिगर की वजह से आपके लोगों के साथ बनती नहीं है। नो फ्रेंड्स का जो मतलब है वो इस कारणवश है क्योंकि सूर्य यहाँ पे पहले लगन से देख रहा है। दूसरा अष्टम मेष में राहु बैठा हुआ है। राहु यहाँ पे बैठे हुए आपकी फिजिकल नीड्स को बढ़ा देता है। इकोनॉमी में एक थ्योरी है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई की एक सिंपल थ्योरी एक चीज़ ये होती है कि अगर आप डिमांड बढ़ाएंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, अगर आप सप्लाई कम करेंगे तो हो सकता है डिमांड भी उसी हिसाब से कम हो जाए। फॉर इंस्टेंस इंडिया में जब सरसों का तेल अभी रिसेंटली 230 रुपये लीटर हुआ तो उसकी सप्लाई थी
कम थी क्योंकि महंगा हो रहा था, उसी कारणवश उसका डिमांड भी कम हो गया। अभी रिसेंटली टमाटर 350 रुपये किलो के आसपास बिका। मैं आप सॉरी आपकी कुंडली के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, बट ये इकोनॉमी की एक थ्योरी है जो पर्सनल लाइफ में भी चलता है। 350 रुपये किलो टमाटर बिक रहा था तो लोगों ने टमाटर का रिप्लेसमेंट दही और कुछ और चीज़ों से यूज़ किया और टमाटर कम इस्तेमाल करने लगे। तो जब सप्लाई का ज़्यादा कम होने लगती है तो डिमांड भी कम होनी चाहिए। आपकी कुंडली में यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो आपकी नीड है, जो फिजिकल नीड है, वो एक्सेसिवली ज़्यादा है और उसके हिसाब से दूसरा पर्सन जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नीड आपकी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से और राहु यहाँ बैठा हुआ काफ़ी एग्रेसिव और काफ़ी मैं क्या बोलूँ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेक्स फिजिकल लाइफ करने की कोशिश करता है राहु यहाँ पे। इस कारणवश ये फिजिकल नीड जो है वो कई लोग पूरे नहीं कर पाते हैं और कई लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पे यही बोलूँगा कि जैसे जब टमाटर 350 रुपये केजी हुआ तो उसकी सप्लाई ज़्यादा कम होने लगी तो डिमांड भी थोड़ी कम हुई। तो आपको एडवाइजरी यही है कि थोड़ा सा डिमांड अपना एक्सपेक्टेशन स्टार्टिंग से या जो है वो थोड़ा सा या जो भी है उसको स्लोली दिखाइए, स्लोली करिए। हो सकता है जब मार्केट अच्छा हो जाए, टमाटर की जब सप्लाई अच्छी आ गई तो अपने आप डिमांड भी बराबर हो गई। तो अब पॉइंट यही है जी कि हो सकता है जी कि स्टार्टिंग में वो कुछ और सोचें जी कि लोग जो इतना एक्टिव है तो ये कैसे होंगे, परसेप्शन बन जाए। लेकिन जब आप उसको स्लोली स्लोली छोड़े आप किसी चीज़ को करेंगी तो हो सकता है जी कि आपकी जो एक सेक्स लाइफ है वो भी बेटर रहे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे फिजिकल लाइफ का आपका ख़राब होने का, वो रीज़न ये है कि राहु यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 बारहवें घर को देख रहा है। अगर हम देखें तो आपकी यहाँ पे वीनस एंड मून ये दोनों प्लैनेट बारहवें घर में जाके बैठे हैं और मार्स ये भी यहाँ पे जाके बैठ गया है। तो मार्स आपको यहाँ पे बैठा हुआ मार्स आपको मांगलिक कर दे रहा है। इस वर्ष इस कारणवश आपका जो रिलेशनशिप है हो सकता है अगर आप शादी किए हों तो वो ज़्यादा दिन अच्छे से टिका ना हो, क्योंकि यहाँ पे मून मन को और आपकी ब्यूटी को आपको फॉरेन सेटलमेंट वगैरह सब कुछ दे दिया होगा इसने। मुझे लगता है आप भी फॉरेन सेटल नहीं हैं, आपको फॉरेन में ही कुछ आपकी परमानेंसी होगी, आपकी रेसिडेंस वहीं का होगा। लेकिन यहाँ पे मार्स ये सब बेनिफिट देने के साथ साथ मन को और आपकी एक अपेयरेंस को दोनों को अफेक्ट कर रहा है। आपका अपेयरेंस जो है वो एग्रेसिव दिखता है आपके पार्टनर को, क्योंकि वो दृष्टि दे रहा है यहाँ पे। तो जो आपका पार्टनर है और राहु की दृष्टि अलग से पड़ जाती है, तो राहु की दृष्टि जब मून और वीनस पे पड़ जाती है तो उस कारणवश वहाँ का जो रिलेशनशिप है आपका वो आइसोलेशन में डाल देता है और आपकी नीड्स फुलफिल नहीं हो पाती हैं। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि मंगल के कुछ उपाय करिए, बेहतर रहेगा। अगर आप शारीरिक तौर पे ठीक है, मुझे लगता है आपके हेल्थ में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से ठीक है तो मेरी उम्मीद ये रहेगी जी कि आप मंगल का उपाय करिए। मंगल के उपाय में आप ब्लड डोनेट अगर कर सकती हैं तो प्लीज़ ब्लड डोनेट करिए, वाइट चीज़ों का डोनेशन करिए। आप वाइट चीज़ें किसी को कुछ खिला सकती हैं, कुछ दे सकती हैं। आपकी कुंडली में अगर आप शुक्र और मून की अगर उपाय करें और मंगल की उपाय करें तो कुछ हद तक की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। आपकी अभी महादशा मंगल की चल रही है और अभी रिलेशनशिप में अगर आप पहले मून की रिलेशनशिप मून जो चल रही थी 2023 के कुछ महीने स्टार्टिंग महीने में तब तक शायद कुछ बहुत फिर भी ठीक ठाक रहा होगा, लेकिन उसके बाद से बहुत दिक्कतें शुरू हुई होंगी। तो उस वजह से मैं आपको यही बोलूंगा कि राहु की दृष्टि सूर्य की दृष्टि इस पार्टनरशिप पे और मून के साथ मंगल के बैठने के कारण आपके साथ ये दिक्कत हो रही है। आपके घर वालों का भी सपोर्ट नहीं है, हालांकि वो सवाल आपने पूछा नहीं है तो उसमें भी मुझे दिखता है थोड़ा बहुत कलेश या कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पैसा आपकी लाइफ में बहुत है, लेकिन जो आपने सवाल पूछा फिजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए ब्लड डोनेट करिए, वाइट चीज़ों का अगर आप चाहती हैं तो डोनेशन करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है अगर आप अपने एग्रेशन को और अपने एक तरीके से अपने एक सीक्रेटिव नेचर को आप थोड़ा सा अपने आप को उस पर कंट्रोल ले आए तो अगर आपके लिए बेहतर होगा। आपको ज़रूरी हमेशा किसी इंसान के पास जाने के लिए आपको थोड़ा सा अपने नेचर में पोलाइटनेस लाना पड़ेगा और वो परमानेंसी में रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप थोड़ा सा एग्रेसिव अथॉरिटिव हो जाते, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ आपको किसी अथॉरिटी पोजिशन में भी डालता है, इस कारणवश ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक बेहतर चीज़ है कि जुपिटर यहाँ पे पंचम घर में बैठा है, पंचम घर में बैठा हो जुपिटर और सातवें घर का मालिक हो, पंचम घर में बैठा, शनि के घर में ही बैठा हो लेकिन पांचवें घर में बैठा बहुत अच्छा असर देता है। मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि अगर जुपिटर अगर पंचम घर में बैठा है तो किसी बुद्धिमान पैसे की तरफ मत भागिएगा, किसी बुद्धिमान समझदार
और ऐसे सुलझे हुए आदमी से रिलेशनशिप करिए जो आदमी आपको पहले में हो सकता हो, आपको आपको लगे ये आदमी हो सकता है जी कि आपको लगे ये आदमी कितना ज़्यादा, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आपको प्रॉब्लम लगेगा उस आदमी में। वो प्रॉब्लम ये लगेगा जी कि क्या ये आदमी इतना क्या शो ऑफ कर रहा है अपने नॉलेज का, या ये आदमी मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा, क्योंकि वो हो सकता है आपको कहीं गाइड कर रहा है और आपको लग रहा है मैं ही सही हूँ। तो मैं आपको यही एडवाइजरी दूंगा जी कि जो आदमी सुलझा हुआ है ज़िंदगी में, जो आदमी ठोकर खाया हुआ और जिसको नॉलेज है चीज़ों की, उसके साथ अगर आप रिलेशनशिप करेंगे, चाहे वो आपसे थोड़े बड़े ही क्यों ना हो, अगर आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। कई सारी चीज़ें नॉलेज के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो उस पर अगर आप फोकस करेंगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल का उपाय करिए, ब्लड डोनेट करिए, वाइट चीज़ डोनेट करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, किसी गॉडेस का पाठ करिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य नमस्कार करिए और गायत्री मंत्र का पाठ करिए। सुबह अगर गायत्री मंत्र का पाठ करती हैं तो भी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं जो है गायत्री मंत्र, उसका इस्तेमाल करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। जेन्युइन रहिए और लोगों की मदद करिए। तो बहरहाल ये थी 3 कुंडलियाँ जिनके रिगार्डिंग मैंने आज वीडियो बनाया है फ्री कुंडली चार्ट में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 30 सितंबर से पहले पहले अगर आपको भी अपनी करवानी है फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग तो मुझे डिटेल दे दीजिए, व्हाट्सएप में जो डिस्क्रिप्शन है उस पर आप प्रोवाइड कर दीजिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए। थैंक यू।